हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज जिस चीज़ के लिए इन्फो आपको देंगे वो है मलेशियन ई वीज़ा या मलेशियन टूरिस्ट वीज़ा। तो मलेशियन वीज़ा लगाने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप किसी एजेंट से लगवाएं जो IATA यानी IATA वेरीफाइड हो, और दूसरा आपके पास तरीका होता है कि आप खुद ई वीज़ा से यानी कि मोबाइल से या अपने डेस्कटॉप से उनकी मलेशियन वेबसाइट से जाके उनकी जो उन्होंने वीज़ा के लिए प्रोवाइड की है windomalaysia.my, आप वहाँ पे जाके ई वीज़ा के लिए अप्लाई करें। दो तरीके हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है, किस सूरत हाल में आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको बताएंगे। सबसे पहले इंट्रो देखिए। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पहला तरीका है जो मैंने यूज़ किया, मैंने वीज़ा एजेंट के थ्रू लगवाया। उसकी खास वजह ये होती है कि आपके पास आपका कोई हेडेक नहीं होता, ठीक है, और सारा काम उन्होंने करना होता है, आपने जो है डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने, जो जो कहेंगे वो। सबसे पहले अगर आप अपने नाम पर खुद बजाते खुद जा रहे हैं, अगर तो आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ज़्यादा आपके और कोई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आईडी कार्ड्स और जो आपके साथ फैमिली जा रही है उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका NTN नंबर, जो NTN आपको FBR से मिलता है वो, और दूसरा आपकी बैंक में 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, ये लिमिट है अगर आप एजेंट के थ्रू लगवाएंगे। अगर आप ई वीज़ा के थ्रू लगवाएंगे तो 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो यहीं पर एक चीज़ आ जाती है कि अगर आप एक बैंक में 1 लाख रुपये से ऊपर है और आप मलेशिया विज़िट करना चाहते हैं तो आप एजेंट के थ्रू ही लगवाएं। दोनों की प्राइस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ₹14,000 एजेंट लेता है और तकरीबन $80 जो है फीस है ई वीज़ा की, जिसमें $45 दूसरी फीस है और 35 वीज़ा की फ़ीस है और $35 सर्विस फ़ीस है। तो $80 भी तकरीबन 12,000 के लगभग 12.5 के करीब बन जाता है। तो इससे अच्छा कि आप 2,000 ऊपर दें और 14,000 का आप वीज़ा एजेंट के थ्रू लगवाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्रॉपर एज अ स्टिकर आपके पास वीज़ा पासपोर्ट पे लग के आएगा। हालांकि इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, दोनों तरीक़ों से आप मलेशिया ही जा रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट पे एक कह दें कि एक साइकोलॉजिकल आपका एक होगा कि दिखाने में एक चीज़ अच्छी लगती है कि आपका पासपोर्ट पे स्टिकर लगा हुआ, इससे अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाती है लोग जो देखते हैं। वो तो दूसरे तरीके से भी बनेगी जब एग्ज़िट्स और एंट्रीज़ आपकी लगेंगी। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए किस तरीके से करने हैं, दोबारा से एक बार कर लेते हैं कि पहला जो तरीका है एजेंट के थ्रू, उसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 1 लाख से ऊपर, वेदर आप बिजनेसमैन हैं या आप सैलरीड हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी, दूसरे डॉक्यूमेंट्स आईडी कार्ड वगैरह पासपोर्ट्स ये चीज़ें लगेंगी, और सबसे बेहतरीन जो बात कि आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होंगी उनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मलेशियन एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए। नो हैट कैप चश्मे वगैरह कुछ भी नहीं लगे होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट दोनों केसेस में है, बेशक आप ई वीज़ा के थ्रू जाएँ या एजेंट के थ्रू जाएँ। अब आपको मैं दिखाऊँगा कि ई वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है और कौन सी वेबसाइट से करना है, कि आप न्यू यूज़र हैं या रिटर्निंग यूज़र हैं तो आप वो किस तरीके से करेंगे। हेलो जी, तो अब हम ब्राउज़र पे आ गए हैं। यहाँ पे ब्राउज़र में या गूगल में आपने सर्च में लिखना है विंडो मलेशिया, तो उसमें ये होगा कि एक वेबसाइट शो होगी जिससे आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है उससे ही अप्लाई करेंगे। एक और वेबसाइट होती है जो ये .gov वाली, ये वेबसाइट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए है, वीज़ा अप्लाई यहाँ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो कुछ लोग समझते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन की ये है, लेकिन ये नहीं है। तो हम अप्लाई नाउ ऑफिशियल वीज़ा मलेशिया में जाएंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जी ये आपकी जो वेबसाइट ओपन हुई है ये आपकी जो वीज़ा की वेबसाइट है। अब यहाँ पर अगर आप रिटर्निंग यूज़र हैं तो आप अपना ईमेल पासवर्ड और ये जो कैप्चा यहाँ पे है वो आप देंगे, और जो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र यहाँ पर दोबारा से जाएंगे वेबसाइट में जी, तो न्यू यूज़र यहाँ पर अप्लाई करेगा IAM New में। तो IAM New में जब आप अप्लाई करेंगे तो आप से वो लोड करेगा और डिटेल्स लेगा आपकी ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपने यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप जितनी चीज़ें देंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो आपके पासपोर्ट पे हैं चीज़ें वो सारी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास
आपकी सारी वो रिक्वायरमेंट्स लेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आगे नहीं जाएंगे यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ये बैंक स्टेटमेंट, आपके पास बैंक में 2 लाख पाकिस्तानी से ऊपर होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा अच्छा है, ताकि उनके पास रिजेक्ट करने का कोई भी वो ही ना हो कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास रिटर्न फ्लाइट की बुकिंग होनी चाहिए, कुआलालंपुर टू लाहौर टू बैक टू कुआलालंपुर या इस्लामाबाद कराची कहीं से भी। सेकेंडली अगर इंडिया बांग्लादेश म्यांमार और नेपाल या उनके यूजर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं, और उनकी करेंसी के हिसाब से आप देख लें कि बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे चाहिए होंगे 2 लाख पाकिस्तानी के हिसाब से। उसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। तीसरा अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप लगाएंगे। और सबसे पहले ये सारी डिटेल्स के बाद वो आपसे पासपोर्ट के फर्स्ट पेज लेगा, तो वो आपने देना है। और अगर आपके पास पहले से कोई वीज़ा लगा हुआ है, यूएसए का है, शेंगेन वीज़ा है कोई भी, तो वो भी अगर आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर देंगे तो आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। तो ये सारी थी रिक्वायरमेंट्स थी ये सारी। अभी इस वक्त फ़ीस क्या है वो मैं आपको आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कितनी फ़ीस है ई वीज़ा की। तो ये सारा प्रोसेस था, जो आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ई वीज़ा अप्लाई आपका हो जाएगा। होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको इन्फो मिली हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।